कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जिला कांगड़ा में भी बंदिशें बढ़ा दी गई है, जिसके चलते सोमवार यानी 10 मई से छूट प्राप्त दुकानें सुबह 8 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी। यह बंदिशें 10 मई सुबह 6 बजे से 17 मई तक जारी रहेंगी। इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। वहीं निर्माण कार्य जारी रहेंगे। निजी निर्माण स्थल पर उपलब्ध निर्माण सामग्री से ही काम चलाना होगा। वहीं लेबर के ठहरने की व्यवस्था भी निर्माण स्थल पर करनी होगी। वहीं सरकारी निर्माण कार्य हेतु आवाजाही के लिए संबंधित एक्शन से अनुमति ली जा सकती है। इसके अलावा सिनेमा हॉल, मॉल, स्पोर्ट्स सेंटर सहित अन्य मनोरंजक गतिविधियों के स्थल बंद रहेंगे। एनएच किनारे ढाबे और वाहन मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी। पूरे प्रदेश में जो कोविड-19 का क्राइसिस है वो बना हुआ है और जिला कांगड़ा में भी स्थिति उसी स्तर की है और लगभग हर घंटे जिला कांगड़ा में एक डेथ रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त 8,500 एक्टिव केसेस हैं जिला कांगड़ा में और अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो अगले एक दो दिनों में ये आंकड़ा जो है 10,000 को क्रॉस कर सकता है। इस वक्त हमारे यहाँ पर होम आइसोलेशन में लगभग 8,000 पेशेंट्स हैं और जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में हैं लगभग 550 के आसपास पेशेंट्स हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ कोरोना रिस्ट्रिक्शंस कोरोना कर्फ्यू के रूप में पीसी भी लगाई गई थी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार न देखने के उपरांत स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्णय लिया गया है कि और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई जाएं और उनको स्ट्रिक्ट किया जाए ताकि जो कोरोना का चेन है उसको ब्रेक किया जा सके। उसी को लेकर कल स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से कुछ आदेश जारी किए गए थे। आज जिला कांगड़ा में उसी अनुसार धारा 144 के अंदर कुछ आदेश जारी किए जा रहे हैं। ये जो कोरोना कर्फ्यू है, ये जो ऑर्डर्स हैं और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो फर्दर, ये 10 मई से 17 मई तक सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होंगे और जैसा कि पहले था कि 5 से ज़्यादा लोगों की जो असेंबली है उसको अनलॉफुल ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी आपके सिनेमा हॉल्स हैं, मॉल्स हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्सेज हैं, मेगा मार्ट्स हैं, बाजार्स हैं, जिमनेसियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेज, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स एंड ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज जहां लोग इकट्ठा होते हैं फिलहाल के लिए बंद रखा गया है। एक बहुत सारी क्वेरीज जो आप लोगों के माध्यम से और आम लोगों के माध्यम से आ रही हैं कि कर्फ्यू में जो रिलैक्सेशन है वो कब से कब होंगी। जिला कांगड़ा में ये सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होंगी। 3 घंटे का रिलैक्सेशन दिया गया है सुबह 8 से 11 बजे की और इस रिलैक्सेशन के दौरान जो आम जनता है, हर परिवार से कोई एक सदस्य घर से बाहर निकलकर जो एसेंशियल परचेजिंग है, एसेंशियल कमोडिटी की परचेजिंग है वो कर सकता है और जो रिलैक्सेशन आवर में जो सेल परचेज जो अलाउ किया गया वो इस प्रकार से है। फेयर प्राइस शॉप्स ओपन रहेंगी, राशन की शॉप्स ओपन रहेंगी, जो भी रिटेल शॉप स्टोर हैं जो ग्रॉसरी सेल करती हैं, डेयरी प्रोडक्ट सेल करती हैं, कन्फेक्शनरी जो सेल करती हैं, ब्रेड, फ्रूट, वेजिटेबल, एग, चिकन, मीट एंड अदर अनकुक्ड फूड आइटम्स ये अलाउड होंगी। इसके अलावा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और सीड रिलेटेड जो शॉप्स हैं वो अलाउड होंगी। इसके अलावा जो शॉप्स हैं जो पेट एनिमल फीड या फॉडर बेचती हैं वो भी अलाउड होंगे। तो अब इन 3 घंटों में सिर्फ यही एक्सेम्प्शन होगा, इसके अलावा बाकी जो शॉप्स हैं वो बंद रहेंगे। इसके अलावा पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है पूर्णतः उसको क्लोज कर दिया गया है और जो फाइनेंशियल सेक्टर है जैसे बैंक्स हैं या हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं उनका जो पूरा पहले निर्धारित टाइमिंग्स थी उसी टाइमिंग से वो काम करेंगे। जो बैंक से 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक और जो पोस्ट ऑफिसेज हैं सुबह 9 से 1 बजे की इनकी टाइमिंग है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जहाँ तक बात रही, सिर्फ जो ऑन साइट मटेरियल अवेलेबल है उसी के साथ जब तक काम चलाया जा सकता है तब तक काम चलाया जाएगा और जो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है उसकी जो लेबर है ऑन साइट होनी चाहिए। जिनको भी अपने प्राइवेट कंस्ट्रक्शन को जारी रखना है तो ऑन साइट अपने लोगों का रहने का इंतजाम करें या पैदल चल के आने वाले लोग ही उस कार्य को कर सकते हैं। जहां तक गवर्नमेंट की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की बात रही, उसके लिए भी हमने मैंडेटरी किया है कि ऑन साइट लेबर ही काम करेगी, लेकिन अगर बाई चांस उनको लेबर कहीं और से लाने की जरूरत पड़ेगी तो जो कंसर्न्ड एक्सीएन है उनको पासेज इशू कर सकते हैं, उसके माध्यम से अपने काम को जारी रख सकते हैं। लेकिन जैसा कि इस ऑर्डर में भी क्लियर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी हार्डवेयर के शॉप्स हैं जो पहले खुली हुई तो सारी की सारी अब बंद रहेंगे। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, ऑन फुट जाके अपना खेत में कटाई और बाकी जो कार्य चला रहता है वो दिन में लोग अपने गांव में कर सकते हैं।
इसके अलावा जो शादियों की बात की जाए तो जो 20 का जो आंकड़ा था जो सरकार के माध्यम से दिया गया था उसी के माध्यम से लोग आगे बढ़ सकते हैं। और अब बहुत जरूरी होगा कि जो लोग शादियों में आने वाले हैं उनका रिकॉर्ड प्रधान के पास और हमारे SDMs के पास होना चाहिए कि 20 लोग कौन लोग होंगे जो शादियों में आएंगे, क्योंकि अगर किसी को बाई चांस पुलिस के द्वारा रोका जाता है, पूछा जाता है, तो उसके लिए रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो कोरियर सर्विस है विथ वैलिड आईडी कार्ड विथ अप्रोप्रिएट COVID-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल जारी रहेंगे। जो व्हीकल रिपेयर के वर्कशॉप्स हैं, पंक्चर के शॉप्स हैं, वो स्टेट और नेशनल हाईवे पे सिर्फ रहेंगे खुले। और जो स्टैंड अलोन ढाबा है, ढाबा, वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पे खुले रखे जाएंगे। इसके अलावा जो भी सप्लाई चेन रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन है ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज वो जारी रहेगी। लोडिंग अनलोडिंग जो भी गुड्स कैरियर का जो मूवमेंट है वो जारी रहेगा। और कोई भी गुड्स कैरियर में सिर्फ दो ही लोग हो सकते हैं, एक ड्राइवर और एक हेल्पर, 1+1 से, जैसे कि पिछले बार के लॉकडाउन में हम लोगों ने किया था उसी प्रकार से चलता रहेगा। इसके अलावा जो भी इस ऑर्डर में है, इसके अलावा जो भी है, जो भी एक्टिविटीज़ जो आप सोच सकते हैं, वो सारी की सारी पूर्णतः अभी अगले 10 दिनों 7 दिनों के लिए बंद रहेंगी, 10 से 17 तक।